डॉल्टन की थ्योरी पर चलते हैं। डॉल्टन पहला ऐसा आदमी था, पूरी वैसे कणद ऋषि ने भी कह दिया था कि जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है बेसिकली वो, उसको हम लोग एटम कहते हैं। ये बात रजिस्टर सबसे पहले डॉल्टन ने करवाई थी, तो लेकिन हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे कणद ऋषि, उन्होंने भी ये बात बोल दी थी कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम, जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, लेकिन बाद में उनको गलत साबित कर दिया गया था। दूसरा पोस्टुलेट क्या है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, तो कॉमन बात है, किसी भी एक एलिमेंट को ले लो, जैसे कार्बन ले लिया, कार्बन एक एलिमेंट है, उसके जो भी आइटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, वेरी नहीं होगी, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। ऑक्सीजन एलिमेंट लूंगा, उनके जो भी आइटम होंगे, जितने भी ऑक्सीजन के आइटम होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होगी, इसमें तो कोई इफ बट ही नहीं है, नो इफ बट नो जट। अब आगे की सीन क्या है, पॉइंट नंबर 3, कंपाउंड्स फॉर्म्ड हैव अ फिक्स्ड रेशियो। डॉल्टन कहता है कि अगर आप लोगों को कोई कंपाउंड बनाना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट का फिक्स रेशो यूज होता है। ये तो बात पहले भी कौन कह चुका है, ये बात पहले गेलुसाक भी कह चुका है। अगर आप लोगों को पानी बनाना है तो आपको दो पार्ट हाइड्रोजन के लेने पड़ेंगे, एक पार्ट आपको ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा, तो 2:1 के हिसाब से आपको पानी मिल जाएगा। समझ में आता है, यही बात डॉल्टन ने भी कही थी और यही सेम बात आपके गेलुसाक ने भी कही थी। तो ये इनके फिक्स्ड सिंपल रेशो होते हैं, फिक्स्ड और सिंपल, मतलब ऐसा कभी नहीं मिलेगा, और कान पकड़ के अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली। Is it clear to all of you? चौथा पॉइंट डॉल्टन क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शंस आर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, ऐसा नहीं होगा कि घोड़ों को आप रिप्रोडक्शन कराओगे और गधा पैदा हो जाएगा, गधों को रिप्रोडक्शन कराओगे घोड़ा पैदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां सिंपल स्ट्रेटेजी है, अगर आपने मान लो हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाया तो इन्हीं में रीअरेंजमेंट होगा, ऐसा नहीं नाइट्रोजन पैदा हो जाएगा। मतलब आप समझो कि अगर आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा भी दिया तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन ही दिखेगा आपको, HCl बनाओगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दिखेगा ना आपको, नाइट्रोजन थोड़ी दिख जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड।